सेकुलर होना पाक परस्त होना होता है क्या? ये सवाल जरूर पूछना चाहिए मणिशंकर अय्यर से। सेकुलरिज्म के नाम पर पाक परस्ती, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जब भी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान होकर आते हैं, वो नए गुट पी के आते हैं, नए इंजेक्शन लेके आते हैं और भारत विरोधी भाषा बोलने लगते हैं। वो तो हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को कातिल कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी को चाहने वाले लोग उनको ऐसे राजनीतिक राक्षसों का, राजनीतिक अंत करने वाले देवता के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान में अपने विवादित बोल बोलने वाले मणिशंकर अय्यर कल ही दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी भाषा से सरकार के खिलाफ बैठे प्रदर्शनकारियों को उकसाने भड़काने की कोशिश की। शाहीनबाग में करीब पिछले एक महीने से, आप जानते हैं, 15 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ यहां करीब एक महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर रोज बरोज जुटने वाली भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग यूं तो आम शहरी हैं और दावा गैर राजनीतिक होने का भी है, लेकिन जब भी राजनीति से जुड़ा कोई व्यक्ति अपना समर्थन देने के नाम पर यहाँ आ जाता है तो फिर खुलकर राजनीतिक बातें भी होती हैं और बयानबाजियां भी। ऐसे वक्त में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जैसे नेता यहाँ आ जाएं और कुछ विवादित बोले बगैर ही चले जाएं, ऐसा तो शायद मुमकिन ही नहीं है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मणिशंकर अय्यर शाहीन बाग के मंच पर आए और शुरू हो गए। शुरुआत मोदी सरकार को कोसने और नागरिकता कानून पर सवाल उठाने से हुई, जो बढ़ते बढ़ते विवादित या फिर कहिए कि भड़काऊ बयान तक जा पहुंची। सरकार की आलोचना और नागरिकता कानून पर सवाल उठाना तो फिर भी लाजिम था, लेकिन कांग्रेस के ये बयान वीर बोलते बोलते अब की बार भी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद तो होना ही था। जो भी कुर्बानियां देनी हो उससे मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखे कि किसके हाथ कौन कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल, ये है सवाल। बात निकली तो दूर तलक जानी ही थी, लिहाजा मन से उतरते ही मीडिया वाले पीछे पड़ गए और अय्यर से पूछ लिया कि वो कातिल आखिर है कौन, जिसका वो अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे। लेकिन बगैर सोचे समझे जो बोल गए उसका जवाब भला क्या देते, इसलिए सवालों से भागते रहे और कुछ बोले भी नहीं। सर, आप किसको रेफर कर रहे हैं, कातिल कह रहे हैं, आप लोगों से बोल रहे हैं, अब मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा, ये और भड़काएगा सर लोगों को। यहाँ पे कॉमन आदमी को सर बहुत परेशानी हो रही है, आप देख रहे होंगे, कोर्ट ने भी बोला, पुलिस लगातार मैसेज दे रही है। आपको लगता है मणिशंकर अय्यर के लिए विवादित और आपत्तिजनक बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। इसके पहले 2014 लोकसभा चुनाव में अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला बताया था, वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बता दिया, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए कांग्रेस से बाहर करा।